never a 4-star student. I was a good student. But uske alawa meri baki personality, baki cheeze ne bahut zyada mujhe help kiya. Kyunki it's not always about one degree. It's not always about your transcript. It's not always about your grades. It's about your confidence. It's about how good you are in communication. It's how good you are into communicating and selling your own self. So, ये सारी चीज़ें equally matter करती हैं. तो वो सिर्फ पढ़ाई matter नहीं करती है. वो करती है, degree matter करती है. लेकिन अगर आप 4-star student हैं और आपको बोलना नहीं आता और आपको अंग्रेजी का एक लफ्ज़ नहीं आता और आप interview में किसी के सामने कोई बात नहीं कर सकते, वो एक one point of time पे वो आपकी degree भी रह जाती है. So, rattifying हमारा culture ऐसा है ना, रटा लगा लिया, 4-star GPA ले लिया और उसके बाद हम समझते हैं हमने कोई तीर मार लिया. एक्चुअली तीर नहीं होता, वो उस वक्त के हिसाब से सिचुएशन होती है. लेकिन अगर हम थोड़ा सा उसको फोर्स ही करें तो हमें इस चारों डायमेंशंस को लेके चलना पड़ता है. जो लेके चलते हैं वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, जो नहीं लेके चलते हैं उनके लिए मार्केट ऐसे होती है कि वो पता नहीं एक ड्रैगन है कि आ रहा है वो, अब डिग्री कम्प्लीट हो रही है, नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी. मैटर करता है. देखें अगर क्या टीचर क्या होता है, हम बचपन से देखते हैं टीचर एक रोल मॉडल होता है. मैं ये समझती हूँ, इफ़ मैं खुद भी एक बंदा, ठीक है पर्सनैलिटी ज़ाहिर है पर्सनैलिटी मैटर नहीं करती, मगर इस मामले में बड़ी मैटर करती है. अगर आप खुद वेल ड्रेस नहीं है, अगर आप सुबह खुद तैयार होकर नहीं आते, अगर आप खुद अपने आप को वेल ड्रेस नहीं रखते, आपकी कम्युनिकेशन सही नहीं है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं सही है, आप क्लैरिटी नहीं है आपके अंदर, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप अपने स्टूडेंट को डिलीवर कर सकते हैं. इफ़ यू आर नॉट ऑन द सेम राइट पिच, आई एम सॉरी, दिस इज नॉट पॉसिबल. प्रोफेशनल होना इज वेरी इंपॉर्टेंट. कोई घर से प्रोफेशनल बन के नहीं आ जाता है. देखिए कोशिश तो की जा सकती है ना. और एजुकेशन तो इतना सेंसिटिव मसला है, इतना सेंसिटिव हमारा करियर है. अगर हम इसको इक्वली देखें, जिस तरह हमारे पास हर जगह पर हर घर से कहते हैं कि जो कुछ नहीं कर सकता वो टीचर बन जाता है, आई एम सॉरी, ये बड़ी रॉन्ग अप्रोच है. वो टीचर टीचर नहीं होता जिसको पता ही नहीं है कि वो करने क्या जा रहा है एक बच्चे के करियर के साथ. और इसी तरह एक प्रोफेशनल, अगर वो उसकी पिच क्लियर नहीं है, अगर वो उसकी डोमेन क्लियर नहीं है, उसमें क्लैरिटी नहीं है, वो क्या डिलीवर करना चाह रहा है, एक बच्चे को बैठा के अगर वो खुद अपने आप को नहीं समझा सकता कि वो इस बच्चे को क्या डिलीवर, तो हाउ यू आर एक्सपेक्टिंग टू गेट अ गुड ग्रेड, आई एम सॉरी. तो प्रोफेशनलिज्म इज 100% वेरी इंपॉर्टेंट. आपको पता होना चाहिए कि आपके सामने जो बच्चा बैठा है इसकी पर्सनैलिटी के आप जिम्मेदार हैं. आज आप उसको कोई रॉन्ग चॉइस दे देंगे, कल को जाके ये बच्चा आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, अपने पेरेंट्स के लिए क्रिएट कर सकता है. ही इज गोइंग टू डैमेज हिज फैमिली. तो मेरा ये ख्याल नहीं है, यकीन है कि हमारी पर्सनैलिटीज का पॉजिटिव होना, हमारा प्रोफेशनल होना, हमारा उस पिच पे होना, हमारी क्लैरिटी होना इज 1000% इम्पॉर्टेंट. अगर हम नहीं क्लियर, अगर हमें नहीं पता, तो आई एम सॉरी, तो हम तो समझ रहे हैं हम अपने बच्चों के करियर्स के साथ खेल रहे हैं. आई डोंट गो अलोंग विद दिस थिंग. अच्छा, टेक्निकलिटी 30% 40% मैटर कर जाती है, ठीक है. और ओवरऑल जो होता है ना, हमें पूरा पैकेज रिक्वायर्ड होता है. अब वो पैकेज क्या रिक्वायर्ड होता है, बंदा वेल ग्रूम्ड हो, बोलना आता हो, रिप्रेजेंट सही कर सकता हो, और ये है कि उसके अंदर टीम लीडरशिप भी हो, ठीक है, उसका टेम्परामेंट भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैच कर जाए, और जहाँ से वो पढ़ा हुआ है उस मार्केट में भी उसकी वर्थ हो, जहाँ पे काम किया उसकी स्टैंडिंग अच्छी हो. हमें ये पूरा पैकेज रिक्वायर्ड है. हमारे पास एक चीज़ ये नहीं होती कि हमें एक ही स्किल रिक्वायर्ड है. तो वो हम ये सारी चीज़ों को देख कर ही वी चूज अ पर्सन. मैं सेल्फ ग्रूमिंग के ऊपर बहुत काम करूँगी बच्चों के. हमारे पास वी लैकिंग इन दैट, आई एम सॉरी. हम जो बच्चा 4C GPA का स्टूडेंट है, ग्रेजुएट कर रहा है यूनिवर्सिटी के अंदर और डीन लिस्ट के ऊपर है, तो आई एम सॉरी, उसको अंग्रेजी का एक लफ्ज़ नहीं आता होगा, ठीक है. अगर आता भी होगा तो उस पर इतना कॉन्फिडेंस नहीं होगा. आप किसी यूनिवर्सिटी को उठा लें, किसी यूनिवर्सिटी को, ठीक है, मैंने बहुत यूनिवर्सिटीज़ में देखा है, इवन मैंने स्कूल्स में भी देखा है, जो बच्चा सिर्फ पढ़ रहा है ना, वो सिर्फ पढ़ रहा है. आप किसी भी 8-star स्टूडेंट को देखेंगे ना, वो आपको डिबेट्स में नज़र नहीं आएगा. एक्सेप्शन्स आते हैं लेकिन आप जनरली देखें तो. और होता क्या है, जब वो बच्चा मार्केट में आता है ना, उसके लिए मार्केट एक ट्रॉमा होती है.
उसको नहीं पता क्योंकि वो पढ़ाई में फैमिली की तरफ से प्रेशर, सोसाइटी की तरफ से प्रेशर, अच्छा अच्छा ये तो ए स्टार बच्चा है, वो जरा से कुछ करने की कोशिश कर तो माँ परेशान होकर स्कूल पहुंच जाएगी, यूनिवर्सिटी पहुंच जाती है, मेरा बच्चा तो जी आजकल सिर्फ एक्टिविटीज में बिजी है, मेरा बच्चा तो कोई दूसरा काम ही नहीं कर रहा। अब पेरेंट्स को ये समझने की ज़रूरत है कि पढ़ाई के साथ साथ दूसरी चीज़ें भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, अगर हम नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, आप लोग ही होंगे जो इस बच्चे को एक एक नए प्रेशर की तरफ लेके आएंगे, बेटा तुम्हें नौकरी ना मिल सकी इतना तुम पढ़ने के बाद, आप एक उसको एक नए ट्रॉमे में डाल देते हैं।